अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद मुती अल हसन और आप देख रहे हैं MTV न्यूज़। जी नाजरीन, आपको लिए चलते हैं सोहबतपुर, जहां से हमारे नुमाइंदा अता मोहम्मद खोसा आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे। जी अता मोहम्मद, आगाह कीजिएगा। सोहबतपुर गांव फकीर मोहम्मद की रिहायशी बुद्र खा खवातीन सकीना बीबी अपने मासूम बच्चों के साथ कुरान पाक उठाकर साथियों से बातचीत करते हुए कहा कि चार रोज कबल मेरे बेटे लियाकत अली कंडरानी को अपने चचा ने जरई जमीन को कब्जा खातिर झूठे गैरत के नाम पर इल्ज़ाम लगाकर कत्ल कर दिया। अब मुल्ज़िमान जुमा खान और सुमर खान मेरे दीगर बेटों अल्लाह बख्श और हादी बख्श कंडरानी को कत्ल करने की धमकियां देते हैं। मुल्ज़िमान बासर लोग हैं, हमें हर रोज कत्ल करने की धमकियां देते हैं और किस केस से दस्तबदार होने के बावजूद उनके बार बार धमकियां दी जा रही हैं। मेरे बेटे को नाहक कत्ल किया गया, असल कत्ल की वजह जरिए ज़मीन कब्जा करना चाहते हैं। अब मुल्ज़िमान मेरे दीगर बेटों को भी कत्ल करने की धमकियां देते हैं। मुतासर खानदान खवातीन ने आका हुकाम आला हुकाम से पुरजोर मुतालबा किया है कि बासर मुल्ज़िम जुमा खान और सुमर खान को फौरी तौर पर गिरफ्तार किए जाएँ और हमें तहफ़ फराहम किए जाएँ।